के दिन करें ये खास उपाय। जीवन में कभी नहीं होगी धन की कमी। आज आप गुरुवार के उपाय करके भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि तो बढ़ेगी ही, मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, यश एवं कीर्ति में बढ़ोत्तरी होगी। गुरुवार के दिन इन उपायों को करने से आपके ग्रह दोष भी दूर हो जाएंगे, जिससे आपका भाग्य भी प्रबल हो सकता है। गुरुवार का दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है, साथ ही देव गुरु बृहस्पति की भी आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। वहीं करियर और कारोबार में भी ऊंचा मुकाम हासिल होता है। अतः साधक गुरुवार के दिन आराध्य विष्णु जी की पूजा करते हैं। इस दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इन उपायों को करने से आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। नंबर एक, आज आप लक्ष्मी नारायण के समक्ष बड़ी वाली 5 सुपारी, 3 गांठ हल्दी, पीतल या स्वर्ण के पात्र में रखकर श्री सूक्त का पाठ करें। आप चाहें तो यह पाठ रोज कर सकते हैं। ऐसा करने से धन धान्य के साथ साथ समस्त मनोकामनाएं 1 महीने के अंदर पूर्ण हो जाती हैं। नंबर दो, गुरुवार को अक्सर लोग केवल भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। इस बात का ध्यान रहे कि माता लक्ष्मी की पूजा में तुलसी का उपयोग न करें। नंबर तीन, यदि आपके दांपत्य जीवन में किसी प्रकार की समस्या है तो उससे मुक्ति पाने के लिए गुरुवार का व्रत रखें और भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। नंबर चार, अगर आपको मेहनत के बाद भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, काम का श्रेय नहीं मिल रहा है, तो आपको अपनी कुंडली के गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहिए। इसके लिए गुरुवार को गुरु बीज मंत्र का जाप जरूर करें। नंबर पांच, यदि आपके घर मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, शादी में अड़चने आ रही हैं, तो गुरुवार को आप देवों के गुरु बृहस्पति की पूजा करें। उनके प्रबल होते ही मांगलिक कार्य होंगे।